हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन बी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूजफुल रेसिपी। जैसे कि हमारे घर में ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड आते हैं और वो बच जाते हैं, तो ऐसे में आप इसका यूज़ ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेड क्रम्स मार्केट में महंगे मिलते हैं और इजीली अवेलेबल भी नहीं होते हैं बहुत सी जगह पर। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है ब्रेड जो कि बच गए थे। अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी और इसे ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी। इसे ग्राइंड करके ले लूंगी। ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम पैन को गैस की फ्लेम पर रखेंगे और ग्राइंड किया हुआ ब्रेड हम इसे पैन में डालेंगे। और अब हम ग्राइंड किए हुए ब्रेड को रोस्ट करेंगे। इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ब्रेड का मॉइस्चर रिमूव ना हो जाए और एवोपरेट ना हो जाए। तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। फ्लेम हाई नहीं करना है, नहीं तो यह जल जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। ड्राई रोस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से करारे हो जाएंगे। मुझे रोस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये दानेदार हो गया है और क्रंची भी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इसे डायरेक्ट गरम गरम बॉटल में नहीं भरना है स्टोर करने के लिए। इसे पहले हम ठंडा कर लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। आप देख सकते हैं ये दानेदार हो गया है और करारे भी हो गए हैं। ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसे ग्लास की बॉटल में भर लेंगे स्टोर करने के लिए। आप इसे बहुत सी रेसिपी में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ बर्गर की टिक्की, चीज़ बॉल जैसी रेसिपी बनाने में यूज़ होता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी यूज़फुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।